Swati is my best friend. She is a good girl. She likes study. Mathematics is her favorite subject. She likes calculation in mathematics. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइक का यूज़ अपनी पसंद को बताने के लिए। देखिए, अगर पसंद की बात करें तो हमें या तो कोई काम करना पसंद होता है या कोई चीज़ पसंद होती है, तो दोनों ही सिचुएशन में सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, सीखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पर पहली सिचुएशन है जहाँ पर हमें कोई चीज़ पसंद होती है, जैसे कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, या खाने पीने की चीज़ के अलावा भी कोई चीज़ आपको पसंद है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे बोलना हो मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। यहाँ पर अगर आपसे किसी ने पूछा हो कि तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, तो आप बोलते हैं मुझे फुटबॉल पसंद है या मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, तो आप बोलेंगे वी लाइक फुटबॉल। अब देखिए, यहीं पर ही अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बताना है, उसकी पसंद के बारे में बताना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट नेम, तो यहाँ पर हम लाइक के साथ एस का यूज़ करेंगे। जैसे कि उसे आम का जूस पसंद है, अगर वो एक लड़का है तो हम बोलेंगे ही लाइक्स मैंगो जूस। उसे चॉकलेट पसंद है, अगर वो लड़की है तो हम बोलेंगे शी लाइक्स चॉकलेट। तो चलिए, यहीं पर अगर हमें मना करना हो या हम कोई चीज़ नहीं पसंद करते हो तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लाइक से पहले डोंट का और डजंट का यूज़ करते हैं। डोंट का यूज़ हम करते हैं आई वी यू दे के साथ और डजंट का यूज़ करते हैं हम ही शी इट नेम के साथ। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ पर एस या ईएस वाली फॉर्म को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है तो मैं बोलूँगा आई डोंट लाइक चॉकलेट। उससे आइसक्रीम नहीं पसंद है, शी डजंट लाइक आइसक्रीम। तो चलिए, आप सेकंड सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर हम किसी काम को पसंद करने की बात करते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे बाइक चलाना पसंद है। तो यहाँ पर हम किसी काम को करने की बात करते हैं जहाँ पर हमें वो काम करना पसंद होता है। तो चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस को हम दो स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जब आप लाइक के बाद टू का यूज़ करते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर आप लाइक के बाद टू का यूज़ नहीं करते हैं तो वर्ब की आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म का यूज़ आप करते हैं। तो चलिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मुझे टीवी देखना पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक टू वॉच टीवी। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे आई लाइक वॉचिंग टीवी। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। दूसरे स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं तो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। यहीं पर हमें बोलना हो कि उसे गाना गाना पसंद है, शी लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए, यहीं पर अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो या किसी के पसंद के बारे में पूछना हो कि क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले डू और डस का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे, क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तो हम बोलेंगे डू यू लाइक चॉकलेट। क्या तुम्हें आम का जूस पसंद है, डू यू लाइक मैंगो जूस। क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है, डू यू लाइक वॉचिंग मूवी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, यहाँ पर आप एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए, जैसे कि सपोज़ आप किसी एक्टर का नाम लीजिए, तो यहाँ पर आप उसकी पसंद या फिर उसके बारे में जो चीज़ आपको पसंद है वो बताइए। जैसे कि मैंने कहा अक्षय कुमार, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अक्षय कुमार इज़ माई फेवरेट एक्टर, आई लाइक टू वॉच हिज मूवीज, आई लाइक हिज एक्शन मूवीज, बट आई डोंट लाइक हिज कॉमेडी। He is a good actor. He has great personality. I like his dialogues and expressions too. तो इस तरह से आप कोई सी भी सिचुएशन ले सकते हैं या किसी के बारे में भी उसकी पसंद या नापसंद के बारे में बता करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, एक सिचुएशन और लेते हैं। जैसे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताइए या फ्रेंड के बारे में बताइए। जैसे कि स्वाति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी लाइक्स स्टडी, मैथमेटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, शी लाइक्स कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स, अपार्ट फ्रॉम इट शी लाइक्स कुकिंग वेरी मच,
She tries to make new dishes, but she doesn't like oily food. She likes पानी पूरी very much. इस तरह से आप चाहे तो किसी के बारे में भी बता सकते हैं. सपोज आप अपने पड़ोसी के बारे में बता सकते हैं, या कोई उसका छोटा बच्चा हो, या इस तरह से आप सिचुएशन लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.